शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास एवं आजीविका हेतु वित्तीय प्रशिक्षण, जल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्मार्ट कृषि तकनीक एवं महिला सशक्तिकरण, कुछ ऐसे उन्नतशील कदम और मापदंड है जो किसी संपूर्ण ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य होता है। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने एवं ग्रामीणों के जीवन में एक नया आयाम देने के लिए संकल्पित HDFC बैंक परिवर्तन परियोजना और आरोह फाउंडेशन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। HRDP यानी समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम HDFC बैंक परिवर्तन का CSR प्रोजेक्ट है, जो आरोह संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में चलाए जा रहे हैं। इसके तहत जिले के बोड़ोला प्रखंड अंतर्गत 15 गांव का चयन किया गया है। जो HDFC सपोर्टेड प्रोजेक्ट है HRDP होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पांचों थीमों पे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे वाटर सैनिटेशन हाइजीन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लाइवलीहुड को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और हेल्थ एंड हाइजीन को लेके भी काम कर रहे हैं और अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वर्क हो रहा है जिसमें सोलर को लेके, सोलर इरीगेशन को लेके, सिंचाई समिति को लेके कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2020 में जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो इन गाँवों को गोद लेकर ग्रामीणों के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। किसानों की फसल उत्पादन में वृद्धि एवं उनके आय में बढ़ोतरी के लिए कई गतिविधियों को शुरू किया गया। सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप लगाने के बाद सिंचाई की नई पद्धतियां, माइक्रो स्प्रिंकलर और ड्रिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से क्षेत्र के हजारों एकड़ भूमि को सिंचित किया गया, जो किसानों के जीवन में वरदान साबित हुई। इससे सिंचाई भी करते हैं, स्प्रिंकलर में क्या हमको सहूलत मिलता है, स्प्रिंकलर को फंसा दें तो हम दूसरा भी काम कर सकते हैं और ऐसे हाथ में पलो कर दे, दो आदमी तीन आदमी एम फंसे चली थे, नहीं तो एमन स्प्रिंकलर लगा दिए एक एकड़ में, एक एकड़ दो घंटा तीन घंटा के लिए फुर्सत रहे। फार्म पॉन्ड अर्थात कृषि तालाबों का निर्माण कराया गया, जो मछली पालन के साथ साथ जल संरक्षण और फसलों की सिंचाई के उचित साधन बने। पानी का जो डबरी जमा होता है वो पानी आइट साइड में उसका लेवल रहता है खेत में, जिससे वाटर लेवल अच्छा बना हुआ है। ये हम शुक्रगुजार हैं HDFC और आरओ फाउंडेशन का, जिनके माध्यम से हमें डबरी खुदवा कर दिया गया। सब्जियों को उगाने की नई एवं उन्नत विधियों का इस्तेमाल के साथ साथ किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए। आरओ फाउंडेशन से मोला सोयाबीन के 40 किलो बीज मिले है, जेल ला मैं अपन खेत में उपयोग करे हूँ और बीज के पैदावार मोला अच्छी अच्छा लगी से और अच्छा पैदावार आय संभावना है। टेलीस मचान विधि से सब्जियों को उगाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराए गए। श्री विधि योजना से जोड़कर धान, गेहूं, मूंगफली एवं सोयाबीन की खेती में स्मार्ट कृषि तकनीक को लेकर किसानों को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें 450 से भी ज्यादा किसान परिवारों को प्रशिक्षण दिया गया। जिनकी जमीनें कम थी उन्हें बोरी बाड़ी विधि के तहत बैकयार्ड फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया गया। आरओ फाउंडेशन से आप मतलब बांस मिली है और ढेखरा में जो रही से वह गिर गुरा के एक मिल जाते रही से, आए जाए पर परेशानी, दवाई छींचे पर परेशानी, ऐसे हल्का फुल्का दवाई छींचे लग स्प्रेयर करे लगते थे तो वह सब सुविधा है हमारे, आए जाए पर टोरे पर सब अच्छा मस्त हमला फायदा हुआ है खर्च से। धन्यवाद है आप मल्ला जिन हम किसान मल्ला ऐसे सहयोग दे हतीन। खरपतवार और कीटनाशकों से निपटने के लिए एवं जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृमि खाद, अमृत पानी एवं अमृत खाद का उत्पादन कर उपयोग में लाया गया। कृषि संसाधन के बेहतर उपयोग ने आज सब्जियों और फसलों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। अलग अलग समुदाय में निवास करने वाले गांव के लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं एवं स्वच्छता का अभाव था, ऐसे में अनेकों शौचालयों का निर्माण कराया गया। वैसे शौचालयों जो बुरे हालत में थे उसका नवीनीकरण कर उपयोग में लाया गया। पहले यहाँ शौचालय छोटे होने के कारण छात्राओं को शौचालय तक जाने में दिक्कत होती थी, अब यहाँ शौचालय बड़ा बन गया है तो छात्राओं को शौचालय जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता अभियान चलाए गए, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर लोगों का इलाज किया गया। सामाजिक विषयों पर जागरूकता हेतु गाँव गाँव जाकर वॉल पेंटिंग किया गया।
क्षेत्र में पानी की समस्या से राहत देने के लिए शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा से संचालित जल मीनार लगाए गए। पहले बोरिंग में समस्या होता था पीने खाने में, अब नल लगने से कोई समस्या नहीं हो रहा है। 150 से भी ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए जो आज इन गांवों में अपनी रोशनी बिखेर कर लोगों के जीवन में एक नई उम्मीद बनकर खड़ी है। गांव पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सरकारी स्कूलों की सही स्थिति ना होने से बच्चों की अनुपस्थिति रहती थी। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण किया गया, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनवाए गए। फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्मार्ट क्लास के रूप में एक कक्षा स्थापित किया है जिसमें हमारे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो हम स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को उस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेरित करते हुए भाग लेवाते हैं। पीने के लिए स्वच्छ पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई, ई लर्निंग एवं पुस्तकालय की सुविधा से जोड़ा गया। स्मार्ट क्लास के आ जाने से हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो क्लास में समझाया जाता था वो एक दो दिन में भूल जाते थे और इसमें पढ़ाया जाता है उसे बहुत लंबे समय तक याद रहता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधन उपलब्ध हुई तो आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ अपना सुनहरा भविष्य लिखने को लालायित है। लोगों की आर्थिक उन्नति और परिवार के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय साक्षरता भी उपलब्ध कराए गए। मसाले एवं आटे के मिल स्थापित किए गए हैं। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देना, आजीविका के विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा रहा। सभी महिलाओं ने कुछ कुछ समूह ले इस कार्यक्रम को अपनाया है जिससे हमको फायदा तो हुआ है। पहले परिस्थिति हम लोग की ये थी कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से आरओ फाउंडेशन हमारे बोर्डला में आया है तब से कुछ महिलाएं सक्रिय हो चुकी हैं, जिसमें महिलाएं मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन और मुर्गी पालन कर स्वरोजगार से जुड़ी और मुनाफा भी कमाया। आरओ फाउंडेशन HDFC बैंक के द्वारा हम लोगों को बकरी दिया गया, उसमें से 8 बकरी और 2 बकरा, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 30 किए। उसके बाद फिर उसको 2-4 बकरी को बेचकर 28,000 का मुनाफा मिला। बकरी पालन नहीं करने के पहले हम लोग घर गृहस्थी के काम में थे, बकरी मिलने के बाद हम लोग स्वरोजगार हुए और स्वावलंबी बनने के लिए अग्रसर हुए। HDFC बैंक के परिवर्तन परियोजना समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम HRDP के किए गए प्रयासों से ही आरओ फाउंडेशन ने बोड़ोला के 15 गांवों के 3,000 परिवारों को बेहतर कल देने के संकल्प को पूरा किया है। अब यहां के लोग अब न केवल अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं बल्कि इनके अंदर ऐसी उम्मीद पैदा हुई है जो एक सतत विकास की ओर अग्रसर है।